स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलकेजी ट्यूटोरियल। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। तो आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो आज की ट्यूटोरियल का टॉपिक है सेल वॉल। सेल मेमोरियल के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। आज की ट्यूटोरियल में आप लोगों को सेल वॉल के बारे में बताऊंगी, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए सबसे पहले जानते हैं कि सेल वॉल है क्या। तो व्हाट इज ए सेल वॉल? ए सेल वॉल इज डिफाइंड एज ए रिजिड एक्सटर्नल लेयर दैट इज स्पेशली डिजाइंड टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड रिजिडिटी। क्या बोल रहा है? सेल वॉल क्या है? एक रिजिड एक्सटर्नल लेयर है, बहुत ही दृढ़, बहुत ही मजबूत एक्सटर्नल लेयर है, जिसकी स्पेसिफिसिटी क्या है? तो ये स्ट्रक्चरल, जो स्ट्रक्चर होता है सेल का, उसको सपोर्ट प्रदान करता है और रिजिडिटी भी करता है। इट आल्सो कीप्स द इंटीरियर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल इंटैक्ट एंड सेफ फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जिसकी वजह से सेल वॉल की हेल्प से ही ये क्या करता है, जो इंटरनल कंपोनेंट होते हैं उसको सेल के अंदर इंटैक्ट होने से बचाता है और साथ ही उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी सुरक्षित रखने में हेल्प करता है। द सेल वॉल इज जनरली अरेंज्ड इन थ्री लेयर। सेल वॉल जो है वो कितने लेयर में डिवाइड होता है? तो थ्री लेयर्स में। और ये लेयर्स किससे बने होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स लाइक पेक्टीन, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड अदर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल। तो द मेजर थ्री लेयर्स कौन कौन से? तो द प्राइमरी सेल, द मिडिल लेमिला एंड द सेकेंडरी सेल वॉल। थ्री मेजर सेल वॉल होते हैं, द प्राइमरी सेल वॉल, द मिडिल लेमिला एंड द थर्ड इज द सेकेंडरी सेल वॉल। तो आइए हम इन तीनों के बारे में डिटेल में जानते हैं। आइए देखते हैं सेल वॉल का फर्स्ट लेयर, द प्राइमरी सेल वॉल। द प्राइमरी सेल वॉल इज सिचुएटेड क्लोज्ड इनसाइड द सेल। सेल के सबसे क्लोज होता है और ये फर्स्ट फॉर्म्ड सेल वॉल होता है, सबसे पहला फॉर्म्ड होता है सेल वॉल का। और ये किस चीज़ का बना होता है? तो सेलुलोज का। अलाउइंग द वॉल द स्ट्रेच फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ। ये क्या करता है? ग्रोथ करने में, स्ट्रेच करने में हेल्प करता है। सेवरल प्राइमरी सेल कॉन्टेन पैक्टिक पॉलीसेकेराइड एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन। सभी प्राइमरी सेल क्या करते हैं? वो पैक्टिक पॉलीसेकेराइड और स्ट्रक्चरल प्रोटीन को कॉन्टेन करते हैं। इट इज आल्सो कंपेरेटिवली परमिएबल थीनर देन द अदर सेल। ये साथ ही क्या होता है? परमिएबल होता है और अन्य जो लेयर्स हैं उनसे थीनर होता है। दूसरा लेयर है द मिडिल लेमिला, इज आल्सो आउटर मोस्ट लेयर। ये भी आउटर मोस्ट लेयर था, द प्राइमरी सेल वॉल और द मिडिल लेमिला भी आउटर मोस्ट लेयर है एंड इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द अदर नेबरिंग सेल। साथ ही ये क्या करता है? जो अदर नेबरिंग सेल होते हैं उसके बगल वाले सेल से एक दूसरे को इंटरफेस करने में हेल्प करता है एंड ग्लूज देम टुगेदर, और दोनों को ग्लूज करने में, चिपकाने में, एक दूसरे से सटाने में हेल्प करता है। दिस लेयर प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ पैक्टिन। ये लेयर जो है पैक्टिन को कंसिस्ट करता है। हाउएवर अदर सब्सटेंस सच एज लिग्निन एंड प्रोटीन कैन बी आल्सो फाउंड। और इसके अलावा इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो लिग्निन और प्रोटीन। आइए थर्ड लेयर देखते हैं। थर्ड लेयर है द सेकेंडरी सेल वॉल, इज फॉर्म्ड इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल। ये कहाँ पाया जाता है? तो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर। वंस द सेल इज कम्प्लीटली ग्रोन, यहाँ पे सेल अच्छी तरह से ग्रो करता है। सम टाइप्स ऑफ सेल्स कॉन्सिस्ट ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन। कुछ सेल्स में सेलुलोज और लिग्निन का बना होता है। दिस प्रोवाइड एडिशनल रिजिडिटी एंड वाटर प्रूफिंग। साथ ही ये क्या क्या प्रोवाइड करता है? तो एडिशनल रिजिडिटी और वाटर प्रूफिंग। आल्सो दिस लेयर प्रोवाइड द कैरेक्टरिस्टिक्स रेक्टेंगुलर और स्क्वायर सेल। साथ ही ये क्या क्या रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप का सेल भी प्रोवाइड करता है। कैसा? तो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर से। इट इज आल्सो थिकेस्ट लेयर एंड परमिट्स परमीएबिलिटी। ये क्या होता है? ये थिकेस्ट लेयर होता है, लेकिन इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा प्राइमरी सेल वॉल, ये क्या था? इन दोनों लेयर्स की अपेक्षा, यानी द मिडिल लेमेला और सेकेंडरी सेल वॉल की अपेक्षा
थीन था, जबकि सेकेंडरी सेल वाल जो है ये थिकेस्ट होता है उन दोनों की अपेक्षा। आइए अब फंक्शंस देखते हैं सेल वाल का। सेल वॉल का पहला फंक्शन है द सेल वॉल प्रोवाइड्स डिफिनिट शेप स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। ये क्या करता है, एक डिफिनिट शेप प्रदान करता है, स्ट्रेंथ प्रदान करता है और रिजिडिटी प्रदान करता है प्लांट सेल। दूसरा पॉइंट है इट आल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस एंड फिजिकल शॉक। साथ ही ये क्या करता है, एक प्रोटेक्शन प्रदान करता है मैकेनिकल स्ट्रेस और फिजिकल शॉक्स के विरुद्ध में। तीसरा पॉइंट है इट हेल्प्स टू कंट्रोल सेल एक्सपेंशन ड्यू टू इनटेक ऑफ वाटर। साथ ही सेल जो एक्सपेंड कर देता है ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब करके, उसके भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। चौथा पॉइंट है इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस फ्रॉम द सेल। साथ ही सेल से जो वाटर लॉस होता है उससे भी प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। पाँचवा पॉइंट है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस बिटवीन एंड अक्रॉस द सेल। सेल के बीच जो ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस एक सेल से दूसरे सेल में अक्रॉस करते हैं उसके लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होता है। छठा पॉइंट है इट एक्ट्स ए बैरियर बिटवीन द इंटीरियर सेलुलर कंपोनेंट्स एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। साथ ही ये क्या करता है, एक बैरियर का काम करता है इंटरनल सेलुलर कंपोनेंट्स और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में। थैंक्स अलॉट कि आप लोग मेरा ट्यूटोरियल देखते हैं। आई होप कि मैं जो टॉपिक्स पढ़ाती हूँ आप लोगों को समझ में आती होगी। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरा ईमेल दिया हुआ है, उस पर आप अपने प्रॉब्लम्स को भेज सकते हैं या फिर कॉमेंट में भी आप अपने क्वेश्चंस या अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हैं मुझे, ताकि मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को